जो न्यू फैंसियर्स आ रहे हैं उनको इन फ्यूचर जो है कौन सी जो है वो पेयरिंग करनी चाहिए, कौन से बर्ड्स जो है उनको जो है अपने ब्रीडिंग सेटअप में जो है ऐड करने चाहिए। लुटिनो और पर्सनाटास वगैरह रखे हुए थे, अल्बाइनो उसने ब्रीड करवाया, पाब्लो स्प्लिटिनो तो वो बताता था बड़े अच्छे, मतलब है काम है, सेल बड़े आसानी से हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो जब भी ब्रीड लेते हैं तो आप जो है बच्चे और अंडे वगैरह जो है वो फोस्टर करना प्रेफर करते हैं, या जिनके बच्चे हैं मतलब जो पेरेंट्स हैं जिनके एग्ज आए हुए हैं जी उन्हीं जी के नीचे जो है पलने देते हैं। अभी आपने सवाल किया, मेरे पास ब्लूटूथ स्प्लिटिनोस के दो बर्ड हैं, मेरे हिसाब से वो अभी कंडीशन में नहीं आए, मैंने बॉक्स ही लगाया अभी दिन देखे। जी जो न्यू फैंसियर है वो जी इस फील्ड में आना चाहता है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे और कौन से बर्ड से स्टार्ट करे? अब अगर आप जर्नली मेरे से पूछे ना कि मैं क्या लाइक करूंगा, पिछले कुछ सीजन्स में मैं जून तक मेरे बच्चे चिक्स सेल्फ हुए, लेकिन मैं इस साल मैंने ये तहिया किया कि मैं मार्च के बाद अंडे फर्टाइल नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज हम आए हैं आसिफ भाई के जो है लवबर्ड के सेटअप पे और आज हम इनसे बात भी करेंगे, मतलब तो इनकी लवबर्ड की जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुई और इनको लवबर्ड की फील कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी आसिफ भाई, सर। क्या हाल जी चाल है? सलमान भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं अल्लाह का खैरियत से शुक्र हैं। सर। अच्छा आसिफ भाई, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी जरूर, पहले तो सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और आप आए हमारे मेहमान बने। अच्छा जी, मेरा नाम सैयद आसिफ अली है और केपीके के शहर डेरा इस्माइल खान से मेरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ जॉब के सिलसिले में मैं आया हूँ तकरीबन कोई 2006 में, SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड में मैं एज ए एसोसिएट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ पिछले कोई 12-13 सालों से। और साथ बस ये भी शौक चल रहा है, शौक भी है और एक पार्ट टाइम बिजनेस भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा आसिफ भाई, हमें ये बताइएगा कि आप लव वर्ड की फील्ड में कब आए और कैसे आए? जी सलमान भाई, मैं लव वर्ड की फील्ड में 2019 के अंदर आया पहली दफ़ा। मैंने कुछ पेयर्स परचेज किए थे, मेरे सुई गैस ऑफिस के अंदर एक लड़का था, उसने कोई ये लुटिनो और पर्सनाटास वगैरह रखे हुए थे, अल्बाइनो उसने ब्रीड करवाया, पाब्लो स्प्लिटिनो तो वो बताता था बड़े अच्छे, मतलब है काम है, सेल बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो उस लड़के को देख के मैं इसमें शामिल हुआ 2019 में, और उसके बाद खुशकिस्मती से हमें जो दोस्त मिले ये हमारे करीब ही रहते हैं, HS लैब वाले हंजला शरीफ साहब, सही, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे दोस्त हुई चूँकि वो करीब भी थे, आशिर सदीकी साहब हैं, उमैर चौहान साहब हैं, तो वो फिर हमारी एक कम्युनिटी बन गई और आगे बड़ी हमें इसमें आसानी हो गई इस काम के अंदर। यानी कि माशाल्लाह आपको स्टार्ट में जो है वो बहुत अच्छे जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रीडर्स हैं उनका साथ मिल गया। जी जी सलमान भाई, ये देखें हमारी खुशकिस्मती है कि जी हम बिल्कुल किसी सर, ऐसे बंदे के हाथ नहीं चढ़े जिसमें हम डिसार्ट होते बाद में, जी। तो हमें बड़ा ही छोटे भाइयों की तरह उन्होंने डील किया, समझाया, रोका भी कि बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें, इस पे ना लगाएं उस पे, जिस तरह होता है एक न्यू फैंसियर जो होता है वो कहता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, तो जी उन्होंने बहुत हेल्प की इस मामले। सर, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने आपको ये भी कहा कि यार ये इतने पे इन्वेस्टमेंट करें इतनी ना करें, जी जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जबकि जो होते हैं ना ब्रीडर्स वगैरह वो क्या करते हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि जो नया आ रहा है ना उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने पास से बर्ड्स दें, जो हमारे जी कहीं पे सेल नहीं भी हो रहे ना तो इस बंदे को देते जाए, क्योंकि ये तो हमारी हर बात मान रहा है, तो वो अपनी अमाउंट इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। जी सलमान भाई, इस तरह ही है, बहुत से मौक़ों पे देखने को मिला है कि जब कोई न्यू बंदा बर्ड परचेज करने आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे जिसको सादा लफ्ज़ लोग कहते हैं कचरा जी निकाल देना, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुशकिस्मती है इसमें जी हमारी, बिल्कुल मेरी ऐसे ही कोई है, ऐसी बिल्कुल कमाल ये नहीं तो है, मानने वाली क्योंकि बात हमारे पास उस टाइम इल्म भी नहीं था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना इन फ्यूचर। अब तो अल्लाह का शुक्र है, काम कर करके बहुत कुछ समझ आ गया, लेकिन उस टाइम पे मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग मुझे मिले। जी सही। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? जी सलमान भाई, मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी
3-4 लाख से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि इतने पैसों से मैं वो इनकम अर्न नहीं कर सकता जो मेरा टारगेट है जी, तो फिर मैं उसको 8 लाख के ऊपर ले गया था, जिसमें मैंने ये सेटअप भी सेट किया, केजेस वगैरह बनाए। लेकिन मैंने एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि बर्ड्स तो मैंने परचेज किए ही जी, लेकिन मैंने ना तकरीबन कुछ 50% पैसे या लगा लें कि आप 30-40% पैसे शेड पे लगाए। सही। हालांकि ये मुझे किसी ने ये नहीं वो दी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि एक लाइव स्टॉक को जब हमने रखना है तो SOPs को पूरा करना बहुत जरूरी जी, है। बिल्कुल, चाहे मैं एक पेयर रख लूं, लेकिन पहले ऐसी जगह आपके पास होनी चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि आपको पता हो कि उसकी लाइफ को थ्रेड नहीं है बर्ड जी। तो 8 लाख से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल निकल आए थे माशाल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, हमें ये बताइएगा कि आप किस किस म्यूटेशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। जी सलमान भाई, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है, फैमिली को भी टाइम देना है, ऑफिस के भी हैं एक्टिविटीज कुछ और भी ऐसे, तो इसलिए सिलेक्टेड पेयर्स मैंने लगाए हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, चंद पेयर्स हों खास तौर पे जॉब वाले बंदे के लिए, लेकिन वो ऐसे पेयर्स हों जिनके बच्चे आप इजीली सेल कर लें। तो मैंने अपलाइन पेल फेलो जो कि इस टाइम काफ़ी डिमांड में है, उसके अच्छे पेयर्स लगाए हैं। ब्लूटूथ में इनोज ब्रीड करवा रहा हूँ, फिशरी में इनोज ब्रीड करवा रहा हूँ, ऑफलाइन भी अच्छे कुछ 1-2 पेयर्स हैं वो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, इसी तरह डाइल्यूट के भी कुछ 1-2 पेयर्स हैं लिमिटेड वो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, पैलेट के भी एक पेयर है मैंने एक ही लगाया है ब्रीड करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ है, लेकिन जो मेरा फोकस है वो फिशरी इनोज के ऊपर है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है इसमें से। फेवरेट तो सारे ही बर्ड बड़े खूबसूरत हैं, और इनोस को मैं लाइक करता हूँ क्योंकि मार्केट में डिमांड भी है, और इसके अंदर अगर प्रॉपर फिशरी में बर्ड तैयार किए जाएं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेंगे। सही। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि जो न्यू फैंसियर है जी, वो इस फील्ड में आना चाहता है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे और कौन से बर्ड से स्टार्ट करे। सलमान भाई, वैसे तो मुख्तलिफ फिजिबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर लोग शेयर कर रहे होते हैं। अगर मैं आज के दिन दोबारा से काम शुरू करूँ, मैं ख़ुद को लेता हूँ कि जो मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो बर्ड्स ऊपर जाते देखे नीचे देखे, या जो मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर ली कुछ बर्ड्स के ऊपर जिसकी वजह से नुकसान हुआ, अगर मैं आज के दिन से दोबारा से स्टार्ट करूँ ना तो मैं कोई पार्बलो पेस्टलिनो कितने का बर्ड है, मेरे ख्याल से पट्टा होगा 10,000 रुपए का, 12,000 रुपए का पहले क्लच का, इतने का ही होगा। तो कोई 20-21 पट्टा ले ले बंदा, मेल अलग जगह से ले लें, आप फीमेल अलग जगह से ले लें, 10 पेयर लगा लें पार्बलो पेस्टलिनो टू पार्बलो पेस्टलिनो। पॉसिबल ब्लूटूथ भी आएंगे, अल्बाइनोज में भी आएंगे, ब्लू पेस्टल में भी ब्लूटूथ आएंगे पॉसिबल, और रेड आई बर्ड उसमें से अगर 10 पेयर में से 20 भी रेड आई बर्ड आ गए क्रीमिनो अल्बाइनो तो आपकी गेम सेट हो जाती है। तो ये सबसे एक्सीलेंट पेयरिंग है। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन न्यू फैंसियर पेस्टल टू पेस्टल सर्वाइवल बेहतर हो जाएगा, ब्लैक आई टू ब्लैक आई सर्वाइवल बेहतर हो जाएगा, ब्लू टू वर्किंग का इस टाइम क्रेज है हर म्यूटेशन के अंदर, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक्सीलेंट पेयरिंग है। बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप जब से लवबर्ड की फील्ड में आए हैं, आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जी सलमान भाई, मुश्किलात तो फिर आपको पता है कि साथ साथ ही होती हैं। तो जब मैंने शुरू किया था तो पहले साल ना एक फंक्शन था शादी का, हमारे अजीज हैं उनका, तो मैं 3 से 4 दिन के लिए गया था, 5 दिन के लिए पीछे शेड को कवर करके गया था। सख्त सर्दी थी, दिसंबर जनवरी के दिन थे, वो पीछे बारिशें हुई, वो सफाई का निज़ाम वो नहीं था, माइट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, उससे पोलियोमा की बीमारी आई थी पहले साल, पहले ही साल पोलियोमा की बीमारी मुझे फेस करनी पड़ी। लेकिन उस टाइम तक इतने चिक्स आ गए थे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 50% निकल आई थी, बाकी वो चिक्स सारे, वो डॉक्टर ज़ुहैब साहब हैं हमारे दोस्त हैं, हमारी गैदरिंग में साथ ही बैठते हैं, हंसला भाई, आशिर साहब, उमेर साहब, ये सब हमारे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने हेल्प ली थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था। तो वो हैंड फीड पे सारे बर्ड उठाना और फिर वो जो प्रॉपर उसकी मेडिकेशन थी वो की मैंने, वो मुझे एक बड़ा साल सख्त गुजरा था, क्योंकि पहले ही साल आप जब 15-20 चिक्स को डेली हैंड फीड करा रहे हैं तो बड़ा एक अजीब सा वो होता है। फिर एक दफ़ा कुरेजा की बीमारी आई थी, एक बर्ड मैंने परचेज किया था, कुरेजा बर्ड है शायद, तो एक बर्ड मैंने किसी से परचेज किया था, शायद वो कैरियर था, वो मैंने सीजन के दौरान 2-3 दिन सिर्फ उसको क्वारंटाइन किया और डिसइनफेक्ट किया और बर्ड शेड में ले आया।
तो उसमें भी कुछ मेरे पेल फेलोज मेरे थे, पाब्लू पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, ब्लू टू स्प्लिट पेल फेलो थे कुछ। तो ये दो जो थे डिजीज जो थी, इनकी वजह से मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अब ये तो इस काम के सर साथ साथ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब तो यही है कि हमें जो है बर्ड जब भी कहीं किसी बाहर शेड से लेके आते हैं या किसी शॉप से भी लेके आते हैं तो हमें जो है ना वो बर्ड क्वारंटाइन लाजमी करना चाहिए, और कुछ दिनों के लिए जो है ना मतलब तकरीबन 15 से 20 दिन कम अज कम जो है उसको अपने मेन शेड से जो है अलग रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें एहतियात तो करना चाहिए, वो बर्ड कीमती है या नहीं है, लेकिन आपके पूरे एक साल की सीजन के लिए जो तैयारी है वो बड़ी कीमती है। जी तो अगर आप बगैर एहतियात के शेड में बर्ड ले आएंगे तो कोई भी बर्ड बीमारी कैरी कर सकता है, तो आपके जो कीमती बर्ड है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए 10 से 15 दिन क्वारंटाइन करें, डिसइंफेक्ट करें विरकोना सागवान। और आजकल तो लैब्स हैं वो टेस्ट भी कर रही हैं, 2-3 किस्म की बीमारियां हैं जिसमें ये पोलियोमा का मैंने जिक्र किया, पॉक्स का किया, तो इस किस्म की बीमारियों के 1500-2000 रुपये में टेस्ट हो जाते हैं। वो टेस्ट करवा लें तो वो सबसे बेहतर, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें टाइम भी बच जाता है और जो है वो सीजन ज़ाया नहीं होता। अच्छा आसिफ भाई ये बताइएगा कि आप जो है ये अपने शेड में बॉक्सेस वगैरह कब इंस्टॉल करते हैं? जी सलमान भाई, देखिए ये जो खासतौर पर हमारे न्यू दोस्त आते हैं ना, बॉक्सेस इंस्टॉल करने में थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, इसकी वजह से इनफर्टाइल होना एग्स का और बर्ड्स को और भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, स्ट्रेस में भी चले जाते हैं बर्ड ब्रीड ना करना। इसके अभी आपने सवाल किया, मेरे पास ब्लू टू स्प्लिट इनोस के 2 बर्ड हैं, मेरे हिसाब से वो अभी कंडीशन में नहीं आए, मैंने बॉक्स ही लगाया अभी दिन देखें, जी, और उनको उनके मेल्स के साथ बाउंड भी हैं, और मैंने उनको छोड़ा हुआ है कि जब मुझे लगेगा कि ये बर्ड तैयार हो गए हैं और इनकी एक्टिविटी ऐसी है तो मैं फिर उनको बॉक्स दूंगा। तो एज का पूरा होना, बर्ड का कंडीशन पे आना, ये बड़ा मैटर करता है। तो जब बर्ड कंडीशन पे होते हैं, एज उनकी प्रॉपर पूरी होती है, उनकी डाइट वगैरह यानी कि कुछ विटामिन वगैरह मैं देता हूँ, वो कोर्स पूरा हो जाता है, तो फिर मैं बॉक्स लगाता हूँ। सही। वेदर भी जो है ना वो, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वेदर था पिछले कुछ 10-15 दिन लाहौर के अंदर, अब बारिश हुई है तो बहुत अच्छा मौसम है, जी। तो इस तरह के मौसम में एज पूरी होनी बर्ड की, ये बड़ी ज़रूरी है। तो आप बेसिकली इसकी इनकी जो है एज क्या रेकमेंड करते हैं कि किस एज में जो है इनको ब्रीड पे लगाना चाहिए? सलमान भाई देखिए, स्टैंडर्ड तो जो बीवीए का है वो तो मतलब है कि बहुत 12 महीने 15 महीने 15 महीने भी कहते हैं। मेरे ख्याल से हम अपना देसी अगर करें ना तो फीमेल की एज 10 महीने होनी चाहिए कम से कम जी, और मेल 8 महीने 9 महीने तो ब्रीड कर जाते हैं, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर। और ये जो विटामिन्स हैं और दूसरी जो मतलब प्रोबायोटिक्स वगैरह हैं, जितने भी मतलब इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्या अहमियत है इसमें लवबर्ड की फील्ड में? सलमान भाई देखें, अगर आपने, लोग कहते हैं नेचुरल पे लेके हैं, अगर नेचुरल ब्रीड करवानी है ना आपने, पूरे साल में 2 क्लच लेने हैं तो फिर तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब्जियाँ दें, बॉयल एग दे दें, साफ़ सुथरी गज़ा दें, पानी साफ दें, ब्रीड कर जाएंगे बस। एक्चुअली जब आपने किसी ख़ास पेयर को टारगेट करके 2 से ज़्यादा क्लच, 3 से ज़्यादा क्लच लेने होते हैं, 4 या 5, तो फिर बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो जो ऐसे पेयर्स हैं जिनकी मैंने लेंग ज़्यादा लेनी होती है, फिर उनको मैं कोई 20 दिन 15 दिन 1 महीने का कोर्स करवा देता हूँ। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो जब भी ब्रीड लेते हैं, बच्चे और अंडे वगैरह जो है वो फोस्टर करना प्रेफर करते हैं या जिनके बच्चे हैं मतलब जो पेरेंट्स हैं जिनके एग्स आए हैं उन्हीं के नीचे जो है पलने देते हैं? सलमान भाई मैक्सिमम तो बर्ड खुद ही पालते हैं अपने बच्चे, क्योंकि उसमें बर्ड नेक्स्ट क्लच के लिए बेहतरीन तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, जो कुछ कीमती हैं मेरे पेयर जिनसे मैं नंबर ऑफ चिक्स गेन करना चाहता हूँ, उनके मैं एग्स फोस्टर करता हूँ। जब एग्स पूरे हो जाते हैं तो 3 से 4 दिन का गैप देता हूँ, मुझे पता चल जाता है इसकी जो लेइंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो फिर मैं फोस्टर करके तो फिर नेक्स्ट लेइंग ले लेता हूँ। लेकिन नेक्स्ट लेइंग जो होती है वो फिर मैं उन्हीं पेरेंट्स से पलवाता हूँ। सही। यानी कि आप एक जो है क्लच फोस्टर कर देते हैं और जो सेकंड है वो उसी को दे देते हैं, ताकि जो है फीमेल की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना हो, ठीक है, और आपकी जो है वो मतलब रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रा जो है अचीव हो जाए। ये कम टाइम के अंदर मेरे जो रिक्वायरमेंट जो नंबर ऑफ चिक्स मैंने उससे प्रोड्यूस करने हैं वो पूरे हो जाए, 4 क्लच हो जाते हैं सीजन में बेहतर है, बेहतरीन। जी बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ भाई ये हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि हमें जो है ना लवबर्ड की ब्रीड जो है वो किस मंथ तक लेनी चाहिए ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी सलमान भाई देखिए, हर किसी के शेड के मौसम पे डिपेंड करता है। अब अगर आप जर्नली मेरे से पूछें ना कि मैं क्या लाइक करूँगा, पिछले कुछ सीजन्स में मैं जून तक मेरे बच्चे
चिक्स सेल्फ हुए, लेकिन मैं इस साल मैंने ये तहिया किया कि मैं मार्च के बाद अंडे फर्टाइल नहीं होने दूंगा। सही। अप्रैल में मेरे बर्ड सेल्फ हो जाने चाहिए। मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने फ्लाइट्स में बर्ड। एक तो हम खुद भी रिलैक्स हो जाएंगे जी जी। कम से कम जगह दाना पानी करना पड़ेगा, और दूसरा जो अगला सीजन है ना, आप सीजन जब जल्दी क्लोज करेंगे तो अगला सीजन में आपके बर्ड की जो पोजीशन होगी ना, जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। जिन मेरे दोस्तों ने या जितने जिन हमारे जानने वालों ने मई जून तक क्लचेस लिए, कुछ पेयर मेरे पास भी ऐसे थे, इंसान है लालच करता है, अंडे आ गए, पटायल हो गया, चलो इसको कैरी ऑन करें, तो फिर उन पेरेंट्स ने ओने पोने वो बच्चे तो आखिरी क्लच के पाल लिए, लेकिन अगले सीजन में उन्हें तैयार होते होते नवंबर दिसंबर हो गया। सही। तो सलमान भाई मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि मार्च के बाद एग्स ना लें। सही। मार्च के बर्ड हैं, अप्रैल में सेल्फ हो जाएंगे, मई के शुरू में मौसम चेंज होता है, आप बर्ड्स को रेस्ट दें, एक लंबा रेस्ट मिलेगा, आपका आगे से सीजन जल्दी शुरू होगा। आप मिड सितंबर में बॉक्स लगाएं, फौरन लेंग्स आ जाएगी और फर्टिलिटी का इशू भी नहीं आएगा, बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। और गर्मियों में या गर्म हल्के से भी गर्म मौसम में जब हम ब्रीड लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ भाई, एंड पे ना हमें सिर्फ एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि जो न्यू फैंसियर्स आ रहे हैं उनको इन फ्यूचर जो है कौन सी जो है वो पेयरिंग करनी चाहिए, कौन से बर्ड्स जो हैं उनको जो है अपने ब्रीडिंग सेटअप में जो है ऐड करने चाहिए। जी सलमान भाई, मेरे ख्याल से आपका ये कहने का मकसद है कि किन बर्ड्स को न्यू फैंसियर्स को सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल जी। इस देखें, बर्ड तो अभी तो जो पिछले हालात चले हैं, पैलेट जैसी म्यूटेशन भी देखें जो उसके रेट डिक्रीज हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कमर्शियल में ही रहें, पेल फेलोज में रहें, स्प्लिट ऑपलाइन बर्ड में पेल फेलो में रहें, यानी कि विजुअल ऑपलाइन पेल फेलो बर्ड महंगा होगा या ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, तो कम से कम स्प्लिट ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो के पेयर, और ये जो इनोज में मैंने एक पहले भी वर्किंग बताई है, पैस्टल इनो टू पैस्टल इनो, इस टाइप के बर्ड लेके ब्रीड करवाएं। ये दो ही चीजें ब्रीड करवा लें तो इंशाल्लाह उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और अर्निंग भी हो जाएगी मेरे ख्याल से। जी आसिफ भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे व्यूवर्स के साथ सर आपकी मोहब्बत है शेयर की आपने सर। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।